हेलो दोस्तों, तो आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो से आप देख सकते हैं गाइस कि एक आम व्यक्ति के मन में देश प्रेम के प्रति कितनी श्रद्धा होती है, वो इस वीडियो से देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने दुकान के ओपनिंग के लिए पूरे दुकान को राष्ट्रध्वज के थीम से सजवाया। इसके लिए उन्होंने स्पेशली ग्रीन और तिरंगे कलर का बलून का उपयोग करने को कहा था। तो इसे कैसे रेडी किया गया है गाइस, और आप तिरंगे कलर का यदि बलून का गेट बनाना चाहते हैं या फिर पिलर बनाना चाहते हैं, तो उसको कैसे मैच करके बनाया जाता है, वो इस वीडियो से आप देख सकते हैं। तो इसके पहले, सबसे पहले गाइस, यदि आप बलून गेट बनाते हैं या फिर वॉल करते हैं, तो बलून गेट बनाने के लिए सबसे पहले 100 वाइट कलर के बलून का और 100 जो है 50 पीस ग्रीन और 50 पीस जो है ऑरेंज कलर का बलून का उपयोग करना होगा। ये देख सकते हैं हमारे आर्टिस्ट हैं, सबसे पहले वाइट बलून को यानी 100 पीस वाइट बलून को फुला रहे हैं। इस टोटल काम के लिए हमें 300 बलून की आवश्यकता होंगी। और तो ये देखिए गाइस, वाइट बलून को फुलाया जा रहा है। पहला इसमें दो जो पेयर होगा, पहला एक दोनों वाइट पेयर होगा और दूसरा जो पेयर होगा वो ऑरेंज और ग्रीन का पेयर होगा। तो ये देखिए गाइस, ये वाइट फुलाने के बाद जो है ऑरेंज और ग्रीन फुलाया जा रहा है इसके बाद गाइस, इसे फुलाने के बाद इसे पेयरिंग किया जाएगा, जिसमें एक एक बुके में 4 पेयर होंगे। जनरली कई लोग होते हैं वो 3 पेयर के बलून गेट बनाते हैं, लेकिन ये वो पतला होता है, और हम जो है बना रहे हैं वो 4 स्प्रिंग के बलून गेट बना रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, इन सभी फुलाए हुए बलून को पेयर बनाया जा रहा है। और इसके बाद गाइस, इसे बलून गेट में बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये देखिए गाइस, ये पुला जा चुका है, ये देखिए गाइस। और अब इसे पूरे जो है जो शॉप में है, जहाँ हमने रिबन मार्कर रेडी किया है, वहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये देखिए गाइस, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमने रिबन का उपयोग किया है। तो ये देखिए, ये पूरा रिबन मारा जा चुका है, जो कि सिर्फ टेप और रिबन के द्वारा इस बलून को लगाया जाएगा। इसमें किसी भी कील का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये देखिए गाइस, ये रेडी हो चुका है, जिसमें हमने दो दो पिलर 7 फीट के और अंदर में पूरा वॉल किया है। इस टोटल वर्क का हमने पार्टी से 2000 रुपये चार्ज किया है। तो आई होप गाइस, मेरे इस वीडियो से कुछ नया जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा, और इसी तरह से मेरे वीडियो पे आते रहिएगा।